इस घर की जो डैम आ जी घोड़ी का नाम निजमा वो पंच कल्याण घोड़िया जी अली बाबा ब्लड लाइन दी अली बाबा ब्लड लाइन दी डीएनए क्लियर है ये घोड़ा सो डीएनए का मतलब है कि ये जो मां बाप असीं दस रहे हैं वो वाकया साइंटिफिकली भी प्रूवन है जी की इस टेबला घोड़ा जी एमआर स्टड फार्म निहाल सिंह वाला रोड बाघा पुराना इस दे ऑनर ने जी मनीष गर्ग जी बलजीत सिंह संधू भाई रविंदर सिंह जी काले का इस घोड़े ते जी तकरीबन 60-70 बच्चे मार्केट दे विच आ चुके ने जी ताड़ियां मार के सारे ही घोड़िया दी अश्वन ग्रैंड सायर पवन पछेड़ी लैन वाला घोड़ा जी और मालिक ने सौरभ सिंह निर्वाल जी घोड़े का नाम जी चेतक घोड़ा सीता राम जी वाला ग्रैंड सायर है इस घोड़े की जो डैम है जी मदर साइड देवली लाइन की घोड़ी है जी वतन विराट घोड़े की मां सो बहुत ही खूबसूरत घोड़ा तुम सामने देख रहे हो जी जिसका नाम वतन विराट एक घोड़ा स्टेबल है जी सरपंच स्टड फार्म खुजावा डिस्ट्रिक्ट अमृतसर सो इसके ओनर ने जी साहब सिंह जी सरपंच स्टड फार्म खुजावा डिस्ट्रिक्ट अमृतसर टोरनोवाइज बोले जसर साहब शो खेडने भी बहुत वे शौकीन है जी हमेशा आप डिस्प्ले करते रहे आप कंपटीशन लड़ते रहे और इस घोड़े का नाम है महाकाल महाकाल गढ़ साहब तुसी साडे जो प्रेसिडेंट ने सोसाइटी दे सरदार कुशलदीप सिंह जी ढिल्लो उन्हां दा घोड़े नाल प्रेम देखो जी अपनी जगह तो उठ के रिंग दे बिल्कुल नेड़े आ गए इन्ने क घोड़िया के दीवाने ने इन्ना प्यार करते ने घोड़िया नूं सो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही वड्डा शो शेमा सो महाकाल वाकया घोड़े का नाम जी महाकाल गजराज घोड़े का बच्चा जी ये फतेह स्टड फार्म धनानसू लुधियाना इस घोड़े के ओनर ने जी सुखवीर सिंह जी जसर सो ताड़ियां मार के हौसला अफजाई करो और देखो दिलराज घोड़े के बच्चे भी रिंगा का शिंगार बन रहे जी चंगिया पोजिशन हासिल कर रहा यह भी घोड़ा फतेह स्टड फार्म धनानसू लुधियाना के उपर स्टेबल है जी इस दे ऑनर ने जी सरदार सुखबीर सिंह जी जसर
दिलवाज घोड़े का बच्चा जी, दिलराज बहुत ही खूबसूरत घोड़ा, बड़ा घोड़े का गेड़ा भाई जी, ताड़ियां मार दो, बहुत ही फिटनेस, बहुत ही डिसाइन। एक घोड़ा दो रंग जी, अजय विशेष ही आ शरीर पक्षों पूरा घोड़ा बनया हो जी, डॉक्टर साहब 60 इंच कट कर गया जी विशेष, अजय दो इस विशेष का नाम जी पठान, शक्ति घोड़े का बच्चा जी, ढंडार स्टड फार्म सरदूलगढ़ तो, इस देवला जी घोड़ा ढंडार स्टड फार्म सरदूलगढ़ इस दे ऑनर ने जी पारी पंडित जी, ताड़ियां ला दो जी, ताड़ियां। पठान वेखो कितनी छोटी उम्र जी, पठान नु करा दो कोट, दूजे नंबर ते लै आओ जी घोड़ा बादशाह, हां जी घोड़ा सुनखा भी डॉक्टर साहब बड़ा जी बादशाह, नाम भी बादशाह ते सुनखा भी उतनी, ए पंजाबी वाले शर्मे लगदे आ बिल्कुल जी, इन्हां भरावां दा बहुत वड्डा सहयोग आ फरीदकोट शो नू, साडे मैंबर भी ने स्पोंसर भी कीतियां ने इन्हां ने रिंगां जी, चलो जी घोड़े की डिटेल सांझी कर लग्या तुहाडे नाल, पंजाब स्टड फार्म ते स्टेबला जी घोड़ा, इस घोड़े दा नाम जी बादशाह, बादशाह ये डोडा वाले प्रिंस घोड़े का बच्चा जी, जिहड़ा भाई बिंदर दा घोड़ा हुंदा सी जी, बिल्कुल स्पॉटलैस घोड़ा जी, डॉक्टर साहब कद भी बड़ा सोहना घोड़े का, तकरीबन 67 इंच कद है इस घोड़े का जी, सौभाग्या जिथे वड्डा कद ते खूबसूरत है जी, ते फिर खूबसूरत होवे शोर जिथे कदे हो नहीं सकता जी, चार बार का चैंपियन घोड़ा जी बादशाह, ताड़ियां ला दो जी, ये घोड़े ने मुक्तसर तो बटाले तो फरीदकोट तो हनुमानगढ़ तो फर्स्ट प्राइज जितया हुआ जी, इस टाइम स्टेबला जी पिंड पंजावा नेड़े लम्मी तहसील मलोट जिला मुक्तसर, इस दे ऑनर ने जी रोशन शर्मा जी, प्रवीण शर्मा जी, पंजावा स्टड फार्म घोड़ा बादशाह, बादशाह। सो इस तो बाद लिया जी सेंटर विच लिया भाजी, लो जी आ गया तुहाडे सामने घोड़ा जी, पदम जी, बाकी जिन्हें भी वीर ने प्लीज घोड़े ट्राउट कराते रहो, जसवान सिंह तरखान वाला, लो जी इस घोड़े का नाम जी पदम, ए लिविंग लैजेंड घोड़े समुद्र का पोता जी, इस घोड़े की मां का नाम जी गंगा, गंगा घोड़ी सालीवाल घोड़े की जैक्ट है जी, 70 इंच तो प्लस इस घोड़े का कद हो गया जी, बहुत ही खूबसूरत घोड़ा, वड्डे कद के नाल नाल बहुत शकीनी है इस घोड़ी दे विच, मजबूत सुंभ वड्डा ढांचा ते स्पॉटलैस घोड़ा जी, तकरीबन 4 साल उम्र हुई है इस घोड़े की, बहुत खूबसूरत बच्चे मार्केट दे विच इस घोड़े दे आ चुके हैं जी, ये साडे बहुत ही सत्कारयोग दारा अंकल दमदमा जी उन्होंने घरे ब्रीड होया विशेरा, उस तो बाद साडे बहुत ही सत्कार योग सरदार जसपाल सिंह जी बराड़ तरखाण वाला, उन्होंने फार्म ते आया जी, ये दो भरावां दे प्यार की निशानी है, दारा अंकल अंकल जसपाल जी, उन्होंने ये घोड़ा जी घोड़े का नाम पदम, 70+ हाइट हो चुकी है इस घोड़े की, घोड़े का जी जो सैर आ लीग लैजेंड घोड़ा समुद्र जो थोड़े टाइम तक इस रिंग दे विच रखोगे, लवा दो जी गेड़ा। सो भाई दारा जी और जसपाल जी का वेखो अगला कहना थोड़े कड़ा कट्टे सांझे आ ते इत्थे घोड़े सांझे वाले भी लोग आए फिरदे आ, डॉक्टर साहब इधर का पहाड़ जिड्डी बशेरी भी दिखा दियो, अच्छा ए भाई उच्ची अड्डी दे सेंटर तो नहीं पाए हुए कि एक घोड़ी, घोड़ी तो मतलब शरीर तो बनी हुई है बशेरी है जी, भाई जी सेंटर च लैओ प्लीज, साडे जो गेस्ट ने वो भी इस बशेरी नूं चंगे तरीके नाल देख लैन, 30 महीनियां दी है ते 71 इंच, बिल्कुल जी 70 नूं पार कर गई, गलशेर कर गई
जो दरशेर काकी घोड़े का बहुत वड्डा घाटा पा नुकरा जगत नूं उस घोड़े की बची आई है पहलवान तड़फा कड़िया गब्बर बड़ा डट साहब केड़े घोड़े तो जी रण सिंह के बापू तो जी अच्छा असि भी अपने घोड़े का नाम ले लिए जी महाराज ने सानू भी बहुत प्यारी दात दिती आ अर्जुन रावणियों को अठ महीने की कबना जी अंशोरी ताड़िया मार दो जी क्योंकि कद वेख के मैं हसदा सीगा यार तुसी कोई सेंटर वाली पाई फिरदे के डट साहब जी तुसी सवारी करनी हो तो मैनूं ऐ लगदा वी पौड़ी ला के चढ़िया करो इहदे उपर जी वाकया दो तीन सत्त तैनूं वी रखणे पैणगे पुत्तरा बिलकुल जी क्योंकि दरम्याने कद दे बंदे दा खरखरा मारना भी औखा हो जांदा मूहरा पाउणा भी औखा हो जांदा जी सो बहुत ही टॉप दे घोड़े सरीर दा शिंगार बणे ने मैनूं बहुत खुशी हो रही आ कि फरीदकोट की जिनी भी मैंबरशिप आ जिस तरह की मैंबरशिप आ उस तरह का उन्होंने शो कराता जी पूरा आनंद बनता यह कह सकता भी उपरों इंटरव्यू देखता होना जी जी आनंद माणना होना इस रिंग का और वाकया जिवें इंद्र दे खाड़े दे विच नाच हुंदा है अरशों उतरे अज घोड़े घोड़ियां जिवें इस रिंग दे विच असीं शो कर रहे हैं सब का अपना अपना विलखण रिकॉर्ड है घोड़ा दिखाउण लग्या तुहानूं दिलबाग दिलबाग दिल बाग लै आओ जी मेरे स्टेज के सामने जी दिलबाग मिंडा सो साडे बहुत ही इस्तेमारियो भाई अग्रह सिंह जी संधू भाई गुरमीत सिंह जी संधू सो इन्हां वल्लों फरीदकोट सोसाइटी का धन्नवाद भी किया गया जो सारी गलबात मैं तुहाडे नाल सांझी करदा जी समूह हाउस ब्रीडर सोसाइटी फरीदकोट के जिन्ने भी मैंबर आ जी संधू स्टेबल मिंडा वालों बहुत बहुत धन्नवाद किया जाता जी और भाजी का वेखो सो भाई जी जिवें सो जेडे समुद्र दरिया नदियां जाके मिले समुद्र जिस नदियां के दरिया निकले आ बहुत टॉप के बच्चे बच्चिया पैदा किए इस समुद्र ने जी भाई जी बेनती है जिन्हें बच्चे समुद्र का प्लीज बाई रही है एक चक्कर उन्हों का भी नाम लगाओ जी भाई सिमरत भलवान वालों कहा गया जी समुद्र घोड़े के जिन्हें भी बच्चे आ प्लीज रिंग के आके उन्हों का भी गेड़ा लवाया जाए भाई जी बहुत दर्शनी घोड़ा जी नदियां नाले सारे समुद्र देखा गए भाई जी जिन्हें भी घोड़े समुद्र जेड़े हो गए जी वो बाहर लाओ क्योंकि दूजे की वारी देनी है साडा मन तो करता भी होर खड़ाइए इस समुद्र घोड़े का बच्चा जी गिल स्टड फार्म समुद्र घोड़े का बच्चा जी कद कर गया जी 6 इंच 4.5 साल उम्र है इस घोड़े की इस घोड़े की जो मां जी भी 64 इंच की है जी साली वाला लाइन की एक घोड़ा स्टेबल है जी निहार सिंह वाला पिंड बीड रौके मोगा इस घोड़े के ओनर ने जी इकबार सिंह जी गिल गुरप्रीत सिंह जी गिल घोड़े का ना जी शेरे पंजाब समुद्र घोड़े का बच्चा जी भाई जी दवा दया करा गेड़ा घोड़े का बहुत ही खूबसूरत घोड़ा जी सो उस तो अगे घोड़े का ना जी पवन इस घोड़े की उम्र 15 साल है जी घोड़े की हाइट 64+ इस घोड़े की ब्लड लाइन साहो के ब्लड लाइन का घोड़ा जी इस घोड़े की मां पानिया वाले घोड़े की डायरेक्टर सी जी
पावन घोड़े की जो मां सी भाने वाले घोड़े की डायरेक्ट सी वह एक घोड़ा स्टेबल है जी गोशा भाई स्वर्ण पिंड भागीवंद बहुत ही खूबसूरत प्यारा घोड़ा जी 15 साल घोड़े की उम्र हो चुकी है पर अज भी शरीर बिल्कुल शांत है पाया बछेरे वाले वर्गा ताड़िया ला दो जी इस घोड़े के नाते भी घोड़े का ना जी पवन सामने तुम घोड़ा देख रहे हो नुकरा जी घोड़ा जी हंस बैबला हंस बैबला यह भी समुद्र घोड़े का बच्चा जी इस घोड़े की मां जी अर्जुन घोड़े की बच्ची है जो भाई मिंटू को होंदा सी घोड़ा अर्जुन जी इस घोड़े के जो ओनर ने जी सरदार हरदेव सिंह जी पिंड बैल हंस घोड़ा जी बैल जिसके बच्चों की शोआ के अक्सर गल होंगी कि हंस का बच्चा चैंपियन बन गया सो इस घोड़े का तुहानू बच्चा भी दिखावा जी जेड़ी इंद्रे विच गया ते डॉक्टर साहब लाल का फुल बना के वापस आया जी अच्छा और तुसी देखो जिवें अक्सर खिडारियों के हाथों च मैडल चके हुए होंगे जी हाँ जी उस हिसाब नाल उहदे गल दे विच ब्लेज पाए हुए है जी रीवन बन्ने हुए है पहला मैं यार ताड़ियां ला दो इस सीजन के जिन्हें भी शो खेलते बछेरा जित के मरिया जी उस बछेरे की डिटेल भी मैं तुहाडे नाल सांझी करन लग्गिया चैंपियन ऑफ चैंपियन भी रहा जी 9 शोआं दे विचों हां जी इहदा नां जी योधा योधा नां योधा ते कम भी योधे वाले उमर सिर्फ अजे 32 महीने जी 2 दंद दे रिंग लड़दा है बछेरा जी सब व्यंग इस दे जो मालक ने सरदार अमरजीत सिंह जी पिंड चक गुजरा अमरजीत सिंह पिंड चक गुजरा जी जोधा 32 महीने उम्र है जी बहुत ही उच्ची लंबी हाइट का मजबूत घोड़ा भाई जी लगा दो मेरा बछेरे का राउंड लगा दो जी राउंड लगा दो जी लो जी कितने माण वाली गल डॉक्टर साहब के बहुत ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਛੇਤੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਪਿਓ ਤੇ ਪਰਪੋਤਾ ਚਾਰ ਘੋੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਬਾਦ ਢੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੇਤਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਮਿੰਟੂ ਰੋਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜੋ ਘੋੜਾ ਸੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਮਿੰਟੂ ਕੋਲ ਅਰਜਨ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ 33 ਮਹੀਨੇ ਆ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਛੇਰਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਸੋ 33 ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਆ ਜੀ 2 ਦੰਦ ਬਛੇਰਾ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਬਾਜ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਪੱਪੂ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕਾਬਲਾਵਾਲ ਲਵਾ ਦੋ ਜੀ ਗੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਿਆੰਤ ਅਭੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏਗਾ ਨੁਕਰਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜਾ ਨਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ 5ਵਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੇ DNA ਅਪਰੂਵਡ ਰਤਨਾਕਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਮੋੜੀ ਘੋੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਜੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੋੜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹਾਈਟ 64 ਇੰਚ ਜੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੌਪ ਦੀ ਬਰੀਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਲਬਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਉਹ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਘੋੜਾ ਜੀ ਕਈ ਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਵਾਲ ਗਰੇ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ 80 ਕਲਾ
ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਆਨਰ ਨੇ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿੰਗ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਰਤਨਾਕਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਵਾਬ ਮਾਰ ਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਲਵਾ ਦੋ ਬੇੜਾ ਨਵਾਬ ਦਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰਤਨ ਪੰਜਾਬ ਰਤਨ ਦੇਵਰਾਜ ਰਣੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਡੈਮ ਕਵੇਰੀ ਕਵੇਰੀ ਇਹਦੀ ਡੈਮ ਹੈ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਰਾ ਜੀ ਮਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ ਕਾਲੇ ਕੰਟੀ ਦਾ ਜੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਘੋੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਘੋੜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਕਵੇਰੀ ਸੋ ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਆ ਜੀ ਬੀਬੀਐਨ ਫਾਰਮ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਆਨਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਕਰਨ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਜਸਕਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜੇੜ ਘੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਤਨ ਲਵਾ ਦੋ ਜੀ ਘੇੜਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਸਮੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਤੇ 70 ਇੰਚ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋੜੀ ਮੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 700 ਘੋੜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਮੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੀ ਬਰੀਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਭੀਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਾਈ ਬਲਾਵਲ ਵਿਰਾਵ ਸੇ ਘੋੜਾ ਜੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਲਵਾ ਦੋ ਬਾਈ ਜੀ ਘੇੜਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ 700 ਘੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰੀਡ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਰਾਵਤ ਰਾਵਤ ਬਸ਼ੇਰਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਉਰੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਸ ਬਸ਼ੇਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਜੀ 19 ਮਹੀਨੇ ਕੱਦ 64 ਪਲੱਸ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਆ ਜੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਣੀਆਂ ਸਰਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਬਾਲੀਏ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਰਣੀਆਂ ਸਰਸਾ ਸੋ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਾਇਰ ਆ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਭਾਗਸਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਭਾਗਸਰ ਵਾਲਾ ਸਦੈਵ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜਾ 67 ਇੰਚ ਕੱਦ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਆ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਬੋਹਰ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜੋ ਓਨਰ ਨੇ ਲੇਟ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਅਕਬਰ ਸੁਲਤਾਨ ਭਾਗਸਰ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਹ ਲਵਾ ਦੋ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਤੇ ਦੋ ਪੈਰ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਗੁਰਜੋਤ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਾਇਰ ਆ ਜੀ ਆਇਰਨ ਵਿੱਕੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਜੀ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਹ
इस घोड़े का ग्रैंड सर राज स्वरूप ऑफ उदयपुर पैलेस लाइन महाराजा अरविंद सिंह जी मेवाड़ उन्हों को जो घोड़ा जी ग्रैंड सर है इस गुरजोत घोड़े का जी ग्रेट ग्रैंड सर लेट लजेंडरी घोड़ा सुल्तान डॉक्टर साहब ये घोड़ा होया सुल्तान। हाँ जी सो बहुत ही वधिया के सुल्तान लाइड़े दी सुल्तान घोड़े का ब्लड जे किसी घोड़े या घोड़ी दे विच आ गया रॉयल हो गया बिल्कुल जी। एक घोड़ा भाई जी भी दसदा भी पंजाब हरियाणा ते राजस्थान एक एक घोड़ा जी डिफरेंट ब्लड लाइन का इस घोड़े की उम्र जी 3.5 साल है जी मूह तो अजय डॉक्टर साहब 4 दंदा जी ये हाइट कर गया जी घोड़ा ये 67 इंच ये घोड़ा हूँ स्टेबल है जी सिखो स्टड फार्म गोबिंदगढ़ अबोर इस घोड़े के ओनर ने जी हरभजन सिंह फिरदी जी कपूरथला लवा दो जी घोड़े का गेड़ा बहुत बहुत मेहरबानी असि इतो ही एडजस्ट लवेंगे क्योंकि इस तो बाद भी साढ़े को जानवर आ रहे हैं। हाँ जी भाजी लो जी तुहाडे सामने जिहड़ा नीला घोड़ा दिख रहा है जी घोड़े का नाम जी अकबर अकबर घोड़े की हाइट 65 इंच इस घोड़े का जो सायर है जी घोड़ा पवन इस घोड़े की मां जो वो नीली घोड़ी है जी इस घोड़े के मालिक ने विंदर सिंह नंबरदार पिंड सरूले वाला जिला मानसा जिला मानसा तो आया जी घोड़ा है बहुत बहुत मेहरबानी कोई होर डिटेल लवा दो जी घोड़ा जिन्नी मालिका ने मैनू डिटेल दिती है जी वो मैं बोल दी लवा दो जी घेड़ा बहुत ही खूबसूरत नीले रंग का घोड़ा जी पवन घोड़े का बच्चा घोड़े का नाम जी अकबर सिखला कलहरिया मोरा वे तुरना तोर पंजाबण दी सो तोर दियां गल्लां हुंदियां रहियां ने डिटेल सांझी करदा जी घोड़े का नाम जी शेरबाज इस घोड़े का सायर है जो सप्ताश घोड़ा ग्रैंड सायर काला कांटा ग्रेट ग्रैंड सायर आलीशान सो इस घोड़े के जो ऑनर ने जी मेजर सुरेंद्र सिंह जी फतेह स्टड फार्म पत्तरा पत्तरा मोहाली मोहाली तो आया जी घोड़ा है शेरबाज लवा दो भाई जी घेड़ा सप्ताश घोड़े का बच्चा जी घोड़े का नाम जी शेरबाज लिया जी लिया इस तो बाद खासी कला लो जी मिंटा जी डॉक्टर साहब आप चलती नहीं घोड़ा एक करोड़ का फिरे कन्न जोड़ता कन्न भी बछेरे ने बिल्कुल जोड़ दिया जी रिंग दे विच बछेरे का नाम जी फतेह जंग 62 प्लस हाइट होगी इसकी जबर जंग घोड़े का बच्चा जी जो भाई काले रंग घोड़ा जी जोता सो इस ओनर ने जी भाई मिंटा खासी तो जी मलोतन सिंह जी उन्होंने बेटे ने जो भाई यूएसए रहते ने पर दिल उन्होंने घोड़े चा जी भाई गुरु इकबाल आस्ट्रेलिया उम्र जारी है 19 महीने जी गुरप्रीत सिंह कनेडा तो लाइव देखते हैं एक घोड़े की जो सिर्फ तेल दिखती है तो उन्होंने भी बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं जी मेहरबानी भाजी तुसी इनू एक बार चक्कर लगा के आप अगले दिवाली देनी है जी मेहरबानी जी।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚ ਕਲਿਆਣ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਟਾ ਜੀ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕੰਟੇਸ਼ਵਰ। ਕੰਟੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੇ ਕਾਂਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਂਡੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ? ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਦਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜੋ ਮਾਂ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਘੋੜੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਲਸ ਲਾਈਨ ਦੀ। ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ, ਨਾਨੀ ਇਹਦੀ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜੋ ਉਮਰ ਆ ਜੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਆ ਜੀ, ਬਹਿਬਰ ਕਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜੀ ਲਵਲੀ ਬਹਿਬਰ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਲਵਾ ਦੋ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਗੇੜਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਾ ਮੱਥੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਲੀਆ ਕਮੈਤ ਘੋੜਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਪਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੋੜੇ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਯਾਰ ਬੋਰਡ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣਾ। ਨਟਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਟਰਾਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੋਪਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵਰਤਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਨਟਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਇਰ ਆ ਜੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਖੇਮਪੁਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਰ ਰਾਜਨਗੀਨਾ ਕੇਲਵਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਰ ਦਿਲਵਾਗ ਰਣੀਆ। ਏਜ 35 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਛੇਰਾ ਜੀ, ਸੋ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਛੇਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਜੇ 2 ਦੰਦ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਡੈਮ ਸਾਈਡ ਆ ਜੀ ਨਾਗਮਣੀ, ਨਾਗਮਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਘੋੜੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਚੈਂਪੀਅਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੋਂ, ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਆ ਜੀ, ਵਿਲੇਜ ਦਤੌਲੀ ਦਨੌਰ ਹਰਿਆਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਛੇਰਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਵਾੜੀ ਬਰੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਬਰੀਡ ਦਾ ਵਛੇਰਾ ਜੀ ਇਹ। ਇਸ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜੀ ਰਵੀ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਧੀਰਜ ਸਹਿਗਲ। ਧੀਰਜ ਸਹਿਗਲ, ਲਵਾ ਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘੋੜੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਬਈ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰ ਵਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 51,000 ਤੋਂ 31,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਵਛੇਰਾ ਖੜਾ ਜੀ, ਮੱਥੇ ਪਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚਿੱਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਛੇਰਿਆ ਨਾ ਜੀ ਹਿੰਮਤ। ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਛੇਰੇ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਮਰ ਇਹਦੀ 25 ਮਹੀਨੇ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਇਰ ਆ ਜੀ ਅਲਫਾਜ ਬਹਿਬਲ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਾਇਰ ਆ ਜੀ ਜੋ ਦੇਵ, ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਾਇਰ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਦਰਸ਼ਨਾ ਆ ਜਾ ਬਈ। ਸੋ ਮਦਰ ਸਾਈਡ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜੋ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਘੰਟੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਬਰ ਵੱਛਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਕਬਰ ਵੱਛਾ ਜੀ, ਕਬਰ ਵੱਛਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ। ਮਾਰ ਦੋ ਜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਲਈ।
25 महीने उम्र है जी इस विशेरे की, बहुत ही सोहना मारवाड़ी विशेरा। सामने जरा घोड़ा खड़ा जी, घोड़े का नाम जी गल, इसका सायर है जी लेख अफताब ऑफ रंसी सप्ताश ते रमिया, उस घोड़ी का बच्चा से हो जी, इस घोड़े की टैम है जी मानो मानो आलीशान ते रजिया ऑफ नाहर सिंह, उस घोड़ा ते घोड़ी की बच्ची है जी मानो, जो इस घोड़े की टैम है जी, इस घोड़े के ऑनर ने गुरीपा विलेज सादलवास जाखड़ हरियाणा, 4 साल उम्र है जी इस घोड़े की, बहुत ही सोहना घोड़ा जी, रवाज हो भाई जी के। हां जी, इस तो बाद अगला लो जी, एक घोड़ा कल भी डिस्प्ले होया इस रिंग दे विच, घोड़े का नाम जी केसरिया, केसरिया आपा कल भी बिल्कुल जी, इस घोड़े का सायर अति सुंदर ग्रैंड सायर सुंदर, इस घोड़े की जो टैम है जी केसर परमहंस पसाने की जो टैम है जी, वह भी केसर है जी, ये सुंदर लाइन अपने कन्ना करके ते सोहने खूबसूरत नैक कैरेज करके जानी जाती है जी, बहुत ही खूबसूरत मार्किंग है इस घोड़े की, और ये घोड़ा इस टाइम मान स्टड फार्म खारे स्टेबल है जी, ब्रीडिंग सर्विस ओपन है इस घोड़े की, इस घोड़े का फ्रोजन सिमन भी अवेलेबल है जी, जो मेटिंग फीस है इस घोड़े की 71,000 रुपया जी, सो डॉक्टर साहब इस घोड़े की बच्ची भी कल एक नंबर आई है बच्चा जी, बछेरा सेकंड है जी, घोड़ा केसरिया, सो इस घोड़े के बापू की फोटो आप बैनर से भी लाई हुई है जी, अति सुंदर। अच्छा, और बाकी बिल्कुल अपने प्यो का मनंगा जी इस दे मुंह ते, और इहदा जिहड़ा मालक है वह भी साडा मुंडा बटने देना, क्योंकि प्यार ही इन्ना मालक है, क्योंकि साडे कोले हो गया की नाम है पुट्ठा होना चाहिए, एह जी गर्दन ते कुंडीदार कन्न, डॉक्टर साहब हुबा हू उवें जिवें बछेरी है जी, सुपने वाह जी सुपने की बछेरी, लो जी बछेरी का ना जी लाल मनी, लाल मनी इस बछेरी का नाम जी, लाल रतन घोड़े की धी है जी, ग्रैंड सायर दिलबाग, इस घोड़ी का कद 68 इंच है जी, 35 महीने उम्र है जी इस बछेरी की, सो इस टाइम स्टेबल है जी संधु स्टड फार्म डोर बाई ਪਿੰਦਰ ਡੋਰ ਤੇ ਬਾਈ ਪਿੰਦਰ ਡੋਰ ਆਨਰ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਪਛੇਰੀ ਦੇ, ਪਛੇਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਲਾਲ ਮਨੀ, ਲਾਲ ਰਤਨ ਘੋੜੀ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਲਵਾ ਦੇ ਬਾਈ ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਗੇੜਾ ਕਰਾਂ ਪਛੇਰੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਲਾਲ ਮਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪਛੇਰੀ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ ਬਾਈ, ਲੈ ਆਓ ਬਾਈ, चैंपियन घोड़ा आदिल, आदिल बरकंदी 3rd पोजीशन हासिल की है इस घोड़े ने, महाराजा रणजीत सिंह हॉर्स शो जगराना तो जी, इस घोड़े का जो सायर है जी लिविंग लैजेंड घोड़ा काला घंटा, इस घोड़े की जो डैम है जी जोधपुर चैंपियन जिहदा नाम जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਟੋ, ਕਾਟੋ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮ ਹੈ
जिहड़े आप खुश है तो बच्चे भी कहना खुश होणगे। काटो ते कांटा ते रिजल्ट आ गया आदि। सो स्टेबलाइजे घोड़ा जैविन स्टड फार्म बरकंदी। इस घोड़े के ऑनर ने जी साडा भरा गुरविंदर सिंह राजा बरकंदी। मार दो जी ताड़ियां इस घोड़े के लिए। भाई जी लवा दे बेड़ा करा घोड़े का राजा आदिल। हाँ जी अगला ले आओ जी। लो जी डॉक्टर साहब। हाँ जी इस घोड़े की मैं हम कुंडली कढ़ा लगे जी पंडितों के वांगू। क्योंकि पुत मैं है जटा का पर हम कम अज पंडित भी कर लगे जी। सो जिमें कहने भी जट जगाड़ी होंगे जगाड़ सारे पासे लाने पैंदे जी। लो जी घोड़े का नाम जी सिकंदर। सिकंदर घोड़ा पहला तो स्टेज आले वीर नूं उहदे कन्नां दी कुंडी दिख रही है जिहड़ी हार्ट शेप नूं देख के ताड़ियां मार दो यार। आ तुहाडे वास्ते ही आ तुहाडे वास्ते दिखाया ने कन्न जोड़ के मेरे। तो भी लो जी सिकंदर दी आपां पहलां तुहानूं जिवें मैं कुंडली दसदी आ पूरी। घोड़ा सिकंदर इस घोड़े का सायर है जी देवराज रणिया। ग्रैंड सायर दिलवाग रणिया। ग्रेट ग्रैंड सायर आलीशान। ग्रेट 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 ग्रैंड सायर तूफान। तूफान डॉक्टर साहब कहलियां पीढ़ियां के नाम सी। मेरे ख्याल च यह लग्या भी कोई पीढ़ी रही नहीं जिहदा नाम ना हो। बिलकुल जी लो जी हुण इहदे आपां प्यो की सारी डिटेल दस दी। हम डैम साइड भी आ जी क्योंकि घोड़ी का बहुत बड़ा रोल होगा ब्रीड के विच। तकरीबन कई साडे ब्रीडर कहते हैं भी 80% तक का रोल कई बार घोड़ी का होंगे जी ब्रीडिंग के विच। इस घोड़ी की जो डैम है जी उसका नाम सुखमणी। सुखमणी की बेटी है। बिलकुल जी सुखमणी का जो प्यो है जी पहला आप प्यो वाले पास चलीए फिर मां वाले पास जावे। ठीक है सुखमणी का जो प्यो है जी जानी कि इसका नाना शानदार। शानदार वाह जी वाह। उस तो बाद शानदार साहिब है आलीशान। आलीशान जो सुखमणी की मदर साइड है जी। घोड़ी का नाम जी रजिया। नार सिंह जी बराड़ जी उन्होंने कोल घोड़ी सी जो रजिया की मां जी ओदा नाम सी जी बेगम। ओ घोड़ी हैगी सी अली बाबा घोड़े की बच्ची जी। भाई ताड़ियां मार दो यार। इन्ना तो अजकल आते जवाकों नूं नहीं पता गा भी साडा बाबा बड़दा दा कहड़ा सी। जदों इस घोड़े का मतलब डीएनए होना जी दो पासपोर्टा की डिटेल पूरी आनी है जी। इस घोड़े की सही गल घोड़े सिकंदर की। लो जी बिल्कुल ये सामने एदा सगा भरा खड़ा जी छोटा भाई। ठीक है सो अपने बड़े भाई तो थोड़ा जा पिछे हो गए खड़ा सत्कार करता अपने बड़े भरा का जी। बिल्कुल हूबहू सिकंदर की कापी है जी। बिल्कुल सेम डिटेल आ घोड़े का बछेरे का नाम जी टोरस। वेखो कितने सिकंदर ते 15 महीने उम्र आ जी इसकी। हाँ जी अच्छा एक वक्री गल है कि सिकंदर ते पोरस की भावे जंग हुई थी इतने दो भरा बना लेते। डॉक्टर साहब तुम एक गल देखो भी जो इन्होंने पाल पत्ता मत्थे ते कह सकते आपां बिल्कुल सेम। हाँ जिवें घोड़ी ने जिवें आपां कहिंदे वी कापी ओ कढ़ी होई। सो बहुत ही खूबसूरत बछेरा तेरा वड्डा फर्क बड़ा इस दे ऑनर ने जी साडा भरा यादविंदर सिंह बरकंदी जी जो कि साडे एग्जीक्यूटिव कमेटी दे मैंबर भी ने। यादविंदर सिंह जी बरकंदी जजिंग दियां सेवावां भी निभा रहे ने फरीदकोट हॉर्स शो दे उपर। लवा दे भाई जी कहड़ा सिकंदर दा ते कोर्स दा साडे प्रेजीडेंट सरदार कुशलदीप सिंह जी ढिल्लों जिन्हां नूं प्यार नाल असीं किक्की ढिल्लों जी कहिंदे आ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਪੇਸ਼ਵਾ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਸ਼ੋ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੋ। ਦੇਵਰਾਜ ਰਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਟਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜੋ ਮੈਮ ਹੈ ਜੀ ਗੰਗੋਰ, ਕਨਈਆ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਹ, ਦੇਵਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜੀ ਬਹਿਲ ਕਰਾਂ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੌਪ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰਦੇ ਤਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਕੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਗਰਾਉਂਡ ਯਾਰ ਮਾਰਦੇ ਬਾਈ ਤਾੜੀਆਂ ਕਾਲਾ ਯਾਰ। ਘੋੜਾ ਦੀ ਮੋਰ ਦੇ ਘੜੀ ਹੋਈ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬੰਕਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢ, ਉਹਦਾ ਨੈਕ ਕੈਰਜ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਿਖਾਈਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਡਲ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਐਗਜਾਂਪਲਾਂ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਕਾਂਟਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਤਰ ਦੇਖੋ, ਬਸ਼ੇਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਘੋੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਂਟਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬੰਦਰ। ਬਈ ਗੋਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂ ਬਈ ਸਰਬਜੋ ਤਿਆਰੀ ਬਈ ਰਾਜਾ ਲਾਲ ਬਾਈ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੀਗ ਲੈਜੈਂਡ ਘੋੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਂਟਾ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਲਾ ਕਾਂਟਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਟੌਪ ਦੀ ਬਰੀਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਨੇ, ਕਬੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਘੋੜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਕਮਾਲ
जे 100 बच्चा आंदा है तो मैं तो 30 बच्चे रिंग जितते है, पर 100 तो 2 ही स्टैलियन बनते है। ये मतलब रेशो है कली पंजाब की नहीं हिंदुस्तानी दुनिया की स्टैलियना की जा ब्रूड मेयर की। जे 100 बच्चा पैदा हो रहा है एक साल च तो उहदे विचों 30 बच्चे रिंग दे काबिल अच्छे बच्चे होंदे जां 50 भी हो सकते हैं, पर स्टैलियन प्रूफ होना ते गा उस ब्रीड नू एक वधिया बच्चे देने ओ 100 चो एक दो दिया किस्मत ही आउंदा। सो मेरा कहने तो भाव यह है ये गल सारे समझा करो कि जो ब्रीडिंग करते हो ये बहुत जरूरी है अपने सारे वास्ते। सो काले कंटे ने एक आंदे हम बहुत अच्छा स्टैलियन प्रूफ किया। मेरा तो ये दुनिया की रेशो है कि चाहे तुसी थोरोबेड टेस्ट भी ले लो, चाहे तुसी डॉग इंडस्ट्री ले लो, चाहे तुसी कोई इंडस्ट्री ले लो, उहदे विच जिहड़ी 1-2% है जिहड़ी रेशो है स्टैलियन दी आके रुक जांदी। सो बड़ी कि इस कोले दा जो शायर है जी ओ प्रताप घोड़ा डैम इस कोले दी जो अलवंद घोड़ा सी मलूकिया उस कोले दी बच्ची है जी। इस कोले दा शायर प्रताप ਸੁਖਵੰਤ ਨਿਗਰਾ ਜੀ ਜਜਿੰਗ ਲਾਉਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ।